हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम में फिर से एक बार आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अगाई अजीजो, आज फिर से एक बार उसी विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे और परमेश्वर हमें आज के इस आठवें भाग में खुदावन हमें आशीषित करेगा। और जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे कि परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में अधिक महत्व क्यों देना चाहिए, तो इस संदेश के लिए हमने जिस वचन का चुनाव किया है वो वचन है भजन संहिता उसका एक अध्याय 138 और वचन 2। बाइबल यहाँ पे कहती है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि जो दाऊद मंदिर की ओर देखकर परमेश्वर को दंडवत कर रहा है, दाऊद के ऊपर जो करुणा परमेश्वर ने की और जो प्रतिज्ञाएं दाऊद के साथ खुदावन ने वाचा के अनुसार बांधी थी, जो भविष्यवाणियां उसके जीवन में भेजी थी उसके अनुसार, उसके सच्चाई के कारण वो कहता है कि मैं तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा। लेकिन उसके आगे वो कहता है, मैं इसलिए तुझे दंडवत करता हूं, मैं इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। ये परमेश्वर अपने वचनों को, अपनी भेजी हुई उन शब्दों को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। और हमने बहुत गहराई से देखा है कि परमेश्वर उसका नाम जो इब्राहिम को प्रकट किया था एल शदाई, जो उत्पत्ति के किताब में सृष्टि की निर्मित में मानव की निर्मित में वहां पे जो एलोहिम दिखता है, जो नाम हजीवा को प्रकट किया एलमोई, जो नाम मूसा को प्रकट हुआ यहोवा, जो नाम गिदोन को प्रकट हुआ यहोवा शालोम, जो नाम आइज़ाया नबी कहता है इम्मानुएल, उन सभी बड़े नामों से वो कहता है कि मैं अपने वचन को अधिक महत्व देता हूं। आप सोचते रहेंगे कि इस विषय का चुनाव क्यों किया गया, उसके पीछे का मकसद ये है कि आजीजो आज के जिस दौर में हम चल रहे, जो अंतिम समय सब लोग कह रहे, इस समय में अगर आप देखोगे आज जो भविष्यवाणी या जो हिदायत तिमोथियुस को पौलुस ने दी थी कि अंतिम समय में लोग खरा उपदेश नहीं सुनेंगे, अंतिम समय में लोग वचन पर कान नहीं लगाएंगे तो वचन के विपरीत बातों पे कान लगाएंगे। और जिस दौर में हम चल रहे ना अजीजो, अमोस नबी ने जो भविष्यवाणी की थी 8:11 में कि अंतिम समय में ना पानी की प्यास ना खाने की रोटी की भूख, इन खाने पीने की बातों का अकाल नहीं तो बल्कि वचन सुनने का अकाल पड़ेगा। और हम उस अकाल में है, अब इस अकाल में वही व्यक्ति बना रहेगा, वही व्यक्ति टिका रहेगा अंतिम समय तक जो परमेश्वर के वचन में बना है। भविष्यवाणियों में, चिन्ह चमत्कारों में आपको मिली हुई बरकत कुवत इन सब बातों में नहीं, जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा। और पिछले सप्ताह में हमने जिन बातों के ऊपर अध्ययन किया था उसमें से एक बात हमने यूहन्ना का पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय वचन 14 में देखा कि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अगर इस दौर में अगर आप उस दुष्ट के ऊपर, उसके सारी युक्तियों के ऊपर, उसके सारे षड्यंत्र के ऊपर अगर आप जीत हासिल करना चाहते हो तो आपके पास और मेरे पास वो खुदा का वचन चाहिए और उस वचन के अनुसार चलने वाला जीवन भी चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको अध्याय के अध्याय पूरी तरह से उनके स्मरण शक्ति में है, वो तोते के जैसे बात करेंगे वचन के बारे में, लेकिन जब चलने का समय आता है ना
तब यही लोग जो बड़े बड़े प्रचार करने वाले हो या वचन को क्लेम करने वाले हो, जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती है ना, उन परीक्षाओं में जो स्थिर रहने वाला संदेश देने वाले लोग, धाड़स मारने का संदेश देने वाले लोग, लेकिन वो भी कभी कभी गड़बड़ी में गिरकर कभी कभी वो भी अपने जीवन में लड़खड़ाते हैं। लेकिन जो अपने जीवन में सच में अपने बड़े नाम से अधिक, धन दौलत से अधिक, समाज में जो हमारा बड़ा सम्मान है उससे अधिक, अपने अहदे से अधिक, परिवार से अधिक, अपनी पर्सनैलिटी से अधिक, अपने ज्ञान से अधिक, जो परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देता है, खुदावन उसे अधिक महत्व देता है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बहुत प्यार करता है। अब वो वचन मतलब खुद परमेश्वर का बेटा, वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड इज वर्ड, वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। परमेश्वर का वचन खुदा है, खुदा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और यही वचन हमारे लिए देहधारी हुआ और परमेश्वर का पुत्र बनकर इस दुनिया में आया। और आज बहुत सारे लोगों का जीवन इसलिए लटखड़ा रहा है, जिन्होंने भविष्यवाणियां तो बहुत सारी प्राप्त की, जिन्होंने बरकत कुवत चंगाइयां प्राप्त की, अपने जीवन में बहुत सारी बातों को अनुभव को प्राप्त किया, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने वचन को, अभी वचन को अधिक महत्व देना मतलब क्या? जब आप कहीं पर जॉब करते हो और जब आपको ये वचन पता है कि खुदा ने हमें जो आज्ञा दी है कि झूठ मत बोलो, झूठी गवाही मत दो, जब आप कहीं पर जॉब पर हो या आपको कहीं पर बड़ा मुनाफा मिलने वाला है झूठ बोलने के बाद, और अगर आप उस मुनाफे को त्याग कर आप सच्चाई के हक में खड़े रहते हो, तब आप वचन को बड़ा महत्व देते हो, अपने पास आने वाली धन दौलत से अधिक महत्व देते हो, तो ये महत्व क्या करेगा पता है? आने वाले दिनों में जो नुकसान शायद उस वक्त आपका हुआ है ना, ये खुदावर बाइबल कहती है जकरिया 9:12 में, मैं तुझे दुगना दूंगा। जोएल 2:25 में वो कहता है मैं तेरी भरपाई करूंगा। हालेलुया। लेकिन आज लोग अपने बड़े नाम के लिए वचन को त्याग रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अपने बड़े नाम को बढ़ाने के लिए। आज बड़े बड़े बैनर्स तो लगते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स में वहाँ पे बड़े बड़े लोग दिखते हैं, लेकिन वहाँ पे खुदा का कलाम बहुत छोटे स्वरूप में दिखता है। इस विषय को मैंने इसलिए चुनाव किया है कि आज हम जिस दौर में चल रहे आशीषों, उस दौर में जो भविष्यवाणी अमोस नबी ने 8:11 में किए, वो भविष्यवाणी ऑलरेडी अभी हमारे दौर में चल रही है। एक अकाल पड़ा हुआ है, उस अकाल में हम देख रहे कि आज भविष्यवाणियां सुनने के लिए, चिन्ह चमत्कार प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को करेक्ट करने के लिए नहीं, केवल टेंटेटिवली, केवल तात्कालिक आशीष के लिए, अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए लोग केवल स्वार्थ के अनुसार परमेश्वर के पास और परमेश्वर के दासों को ढूंढ रहे। अपने जीवन को बदलने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, कोई चर्च बदल रहा है, कोई सेवक बदल रहा है, कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है। इन बातों से हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा, हमें अपने आप को बदलना होगा। जब वचन का उजाला हमारे जीवन में आएगा, तब वो उजाला हमारे जीवन का अंधेरा प्रकट करेगा, हमारे जीवन में जो गलत बात है उसको प्रकट करेगा और हमें सच्चाई की राह पे चलने के लिए अगुवाई करेगा। लेकिन आज मसीहत में आज सब लोग चंगाइयों के पीछे, भविष्यवाणियों के पीछे, अपने स्वार्थ के पीछे, पैसों के पीछे दिन रात पैसा बैठा हुआ है दिमाग में। लेकिन अपने जीवन में गलत लतों को छोड़ना, गंदी आदतों को छोड़ना, गलत स्वभाव को छोड़ना, अगर आपके जीवन में वचन की तलवार आती है ना, ये वचन दोधारी पैनी तलवार है, दो तरफ से शार्पित तलवार है ये, जो किसी का घात करने के लिए तलवार नहीं दी गई है। तो ये तलवार अगर डॉक्टर किसी मरीज का अगर ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करते हुए उसके हाथ में भी धारदार शस्त्र वाले वो कैंचिया और वो छुरी होती है, वो किसी का घात करने के लिए, तो वो डॉक्टर उस छुरी का इस्तेमाल इसलिए करता है कि जो गलत है उसको काट दिया जाए। आपके पास और मेरे पास वो तलवार होनी जरूरी है जो हमारे जीवन में गलत है, जो इन्फेक्शन है उसको निकाल सके। लेकिन आज केवल भौतिक बातों में इंसान पड़ा हुआ है। अब इन बातों पर हम अध्ययन कर चुके, जैसे हमने पिछले सप्ताह में, हमने प्रेरितों के जमाने में
जो उन्हें तीसरा अभिषेक मिला, वो तीसरा अभिषेक कब मिला, वो तीसरा अभिषेक कौन सी स्थिति में मिला, उसके पहले की घटनाएं क्या है। उसकी पहले की घटनाओं में अगर हम जाएंगे तो बाइबल कहती है कि जब 3000 लोगों ने पेंटिकोस्ट के दिन बपतिस्मा पाया, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं देखा, उनके सामने कोई लंगड़ा अंधा या कोई बीमार चंगा नहीं हुआ, उन्होंने परमेश्वर का एक शुद्ध प्रचार सुना, जीवन बदलने वाला प्रचार पत्रस के मुंह से सुना। शायद उस जमाने में वो लोग होंगे जिन्होंने पत्रस को जब यीशु मसीह को बंदी कराया था, तब कुछ लोगों ने कहा देखो ये गलीली है, ये भी यीशु के साथ था, तब यीशु ने कहा गया उसके अनुसार 3 बार तू मेरा इनकार करेगा तब मुर्गा बांध देगा। वही पत्रस था जो डरपोक पत्रस था, जिसने इनकार किया था कि मैं यीशु का साथी हूँ, लेकिन यही पत्रस पेंटिकॉस्ट के अभिषेक में आता है और खुलेआम जब पूरी निडरता के साथ जब प्रचार करता है तो एक ही दिन में 3000 लोग उद्धार पाते हैं। और हमने इन बातों के ऊपर बहुत ही गहराई से देखा था, और बाइबल कहता है कि ये जो लोग थे जो पत्रस के पास आए थे, उनके जीवन में परमेश्वर ने वचन के द्वारा जो काम किया था उसके द्वारा उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके बाद हमने देखा 4 अध्याय की प्रेरित का 4 अध्याय वचन 4 में वहाँ पे लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। 5000 पुरुषों ने यीशु मसीह के जमाने में रोटियां और मछलियां खाई थी, लेकिन उन्होंने वचन भी सुना था, लेकिन वो यीशु के पीछे नहीं चले। लेकिन धन्यवाद देते प्रभु को, उसने पत्रस में विश्वास किया। कौन से पत्रस में विश्वास किया? He was a failure, एक अयशस्वी व्यक्ति, एक पीछे हटने वाला व्यक्ति, एक डरपोक व्यक्ति जिसे यीशु का साथ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी यीशु ने उस पर विश्वास किया। इसलिए इस परमेश्वर की पहचान है, हम भले ही विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन हम विश्वास योग्य ना होने के बावजूद वो खुदावन हम पर विश्वास रखता है क्योंकि वो विश्वास योग्य है। उसने पत्रस में विश्वास किया और पत्रस को कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, और पत्रस आखिर में कहता है प्रभु तू जानता है मैं क्या हूँ। उसके बाद जब प्रभु स्वर्ग में उठा लिए गए, पेंटिकॉस्ट का दिन आया, पत्रस ने प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु में आए, उसके बाद 5000 लोग प्रभु में आए। जो पत्रस खुद यीशु का इनकार करने वाला, जिसके प्रचार करने से लोग यीशु का स्वीकार करने लग गए। पत्रस ने कोई बड़े चिन्ह चमत्कार वहाँ पे नहीं किए, पत्रस ने वहाँ पे खुदा का कलाम प्रचार किया। और उसका पहला चमत्कार जो सुंदर नाम के दरवाजे पे उसने किया, वो चमत्कार के बाद उसने जो प्रचार किया उसके बाद 5000 लोग आए। एक बड़ी महासभा में इन प्रेरितों को बुलाया गया, उन्हें उनको वहाँ पर अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, लेकिन बाइबल कहती कि उस यीशु के नाम के लिए वो अपमान के योग्यता के ठहराए गए, इसलिए उस भरी सभा में वो आनंद करते हुए निकले। आप वहां से जब वो आए, जब उनको हिदायत दी गई, जब उनको वहां पे चेतावनी दी गई, धमकाया गया कि यीशु के नाम से मत बोलो, लेकिन उन्होंने कहा अब इंसान की छोड़कर क्या, आज परमेश्वर की छोड़कर क्या इंसान की सुने। और वहां से जब आते तो जो भजन संहिता 2 अध्याय में जो भविष्यवाणियां दाऊद ने लिखी गई थी, उनमें से उन वचनों को वो कहते हैं कि देखो जगत के हाकिम और राजा परमेश्वर तेरी सेवकाई के पीछे लगे हुए। एक वचन उसमें से मैं पढ़ना चाहता हूँ, बाइबल कहती प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हुए है। मेरी 4 अध्याय वचन 26 में दिया है। बाइबल हमें यहाँ पे सिखाती एक बात, और वो बात ये कि ये सब बोलने के बाद ये सारे पत्रस के साथ जो प्रेरित थे उन्होंने एक दुआ की। 29 वचन कहता है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे अभी दिखाई पड़ता है, यहाँ पे एक वरदान मांगा उन्होंने। ये वरदान लंगड़े को चलाने वाला चंगाई का वरदान नहीं था,
अंधे को दृष्टि देने वाला नहीं था, मुर्दों को जिलाने वाला नहीं था, सुपर नेचुरल पावर का नहीं था। ये वरदान उन्होंने मांगा, जो वरदान का वर्णन ये प्रेरित 4:29 में किया है कि प्रभु हमें वो वरदान दे ताकि हालात कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, हमारे खिलाफ कैसा भी प्रोसिक्यूशन क्यों ना हो, हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना हो, खाने को रोटी हो या ना हो, हमें अपमान मिले या सम्मान मिले, इन सब परिस्थितियों में हमें वो वरदान दे ताकि तेरा वचन हम हियाव से सुना सके। क्या आज ये वरदान कोई मांग रहा है आज के डेट में? आज बहुत कम लोग हैं जिनको केवल ये भौतिक बातें बताई गई है, इसीलिए कोई सेवक अगर कोई चंगाइयां कर रहा है या कोई अच्छे प्रचार कर रहा है या भविष्यवाणियां कर रहा है, आज केवल उनको कॉपी करते हुए आने वाला नया जनरेशन क्या मांग रहा है, मुझे इस फलाने फलाने सेवक के जैसा वरदान दे। लेकिन मुझे आज आपको करेक्ट करना है, मुझे आपको यह स्पष्ट रीति से बताना है, प्रेरितों के लिए जो तीसरा अभिषेक हुआ, उस तीसरे अभिषेक में वहां पे भूकंप हुआ और ये सारे आत्मा में भर गए, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने पहले ये बात मांगी कि खुदावन हमें वो वरदान दे ताकि तेरा वचन हम याव से सुना सके। और आगे वो कहते हैं, चंगा करने के लिए परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ा और चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से होने दे। हालेलुया, सारी महिमा सारा जलाल ये प्रेरित स्वर्ग को देना चाहते, लेकिन आज के डेट में चिन्ह चमत्कार का सारा क्रेडिट उस मनुष्य को चला जा रहा है। और बाइबल कहता है कि जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आगे भाई वो परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। क्या आपके जीवन में आप इस तरीके की सेवकाई करने के लिए तैयार है? क्या आपके जीवन में आज ये वरदान आप चाहते है? अगर इस तरीके से अगर खुदावन का वरदान आप चाहते हो तो निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन के पीछे पीछे चिन्ह चमत्कार के वरदान आते हैं। वचन इन सारी जो भी हीलिंग मिराकल की मिनिस्ट्री है, डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, जिस प्रकार की सुपरनेचुरल मिनिस्ट्री है, इन सारी मिनिस्ट्री को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको वचन को हियाव से सुनाने का वरदान प्राप्त करना होगा। ये वरदान बाकी वरदानों को खींच लेगा और वचन के बाद आपके द्वारा सेवकाई में अद्भुत बातें होगी। आमीन। इन्होंने पहले वरदानों को नहीं मांगा जो आज दुनिया के लोग मांग रहे, इन्होंने पहले वचन हियाव से सुनाने की बातें मांगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमें यहाँ पे बताती है एक महत्वपूर्ण बात जो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे जो बात अद्भुत रीति से हमें बताता है। इन बातों पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर के सेवकाई में वचन के सिवाय कुछ बातों को महत्व नहीं दिया गया है। जब एक समय आया, उस समय में जब विधवाओं को समय आया था जब प्रेरितों के जमाने में विधवाओं को रोटी दी जाती थी, धान दिया जाता था और प्रेरित ये सेवकाई करते थे। लेकिन एक समय जब आया तो यही प्रेरित, अगर हम देखेंगे 6 अध्याय में कुछ समस्या आई है। वहां पे यूनानी विधवा है, यहूदी विधवा है, आपस में उनका वहां पे वाद विवाद चल रहा है, वो कुड़कुड़ा रहे हैं और कुड़कुड़ाते हुए खाने पीने की बात चल रही। तब ये जो प्रेरित थे उन्होंने क्या कहा, देखो 6:2-3, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को आपस बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवकाई में रहे। अब उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा से भरे हुए, वचन से भरे हुए बुद्धिमान परिपूर्ण बच्चों को चुन लो या जवानों को चुन लो ताकि ये सेवकाई उनको करने के लिए हम दे दे। और उसमें स्टीफनस को चुना गया, फिलिपस को चुना गया,
वहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम हमें दिखते हैं, प्रखुरुष दिखता है, निकानोर दिखता है, तिमोन, इन सब लोगों का नाम दिखता है। जब ये चुनाव किया और प्रेरितों ने ये जिम्मेदारी जवानों पे दी, तो यही प्रेरित उसका छठा अध्याय वचन 7 कहता है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। यहाँ पे प्रेरित किस बातों पर जोर दे रहे? प्रेरितों ने ये नहीं कहा कि हम डिलीवरेंस हीलिंग मिराकल की मिनिस्ट्री छोड़कर ये खाना परोसने का काम करें क्या? उन्होंने कहा वचन की सेवकाई को छोड़कर, वचन को प्रचार करने की सेवकाई को छोड़कर क्या हम ये खिलाने पिलाने की सेवकाई करें? और बाइबल कहता है कि जब 7 जवानों को चुन लिया गया और वो जवान वो सेवकाई कर रहे थे, बाइबल कहती है तब प्रेरितों के द्वारा बाइबल का वचन फैलता गया, परमेश्वर का वचन फैलता गया। कोई गवाहियां नहीं फैली यहाँ पे, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं फैले यहाँ पे। यहाँ पे अगर फैला होगा क्या तो परमेश्वर का वचन, वचन फैलता गया। आज सवाल ये है, सेवकाई जो चल रही है हमारे आसपास, आज वचन फैल रहा है या उस व्यक्ति का नाम फैल रहा है? वचन फैल रहा है या केवल भौतिक बातों की गवाहियां फैल रही है? वचन फैल रहा है या केवल अपनी बुद्धि से, मानवीय बुद्धि से बनाए गए, मिनिस्ट्री में लाए गए ये स्ट्रैटेजीज फैल रहे? आपका और मेरा कर्तव्य, पहली कलीसियाओं का जो उद्देश्य था वही उद्देश्य हमें पूरा करना है। उन्होंने खिलाने पिलाने का काम छोड़कर वचन का काम किया है। कभी कभी कुछ लोग ये भौतिक बातों में फंस जाते, मैं भी एक समय में गलतियां किया हूँ, मैं इन बातों में पड़ा हुआ था, जो सोशल वर्क कहा जाता है। सोशल वर्क डिफरेंट एंड स्पिरिचुअल वर्क इज डिफरेंट। सामाजिक सेवा अलग है और आध्यात्मिक सेवा अलग है। जो आध्यात्मिक सेवा में लगाए ना वो वचन की सेवकाई करता है, जो सामाजिक सेवा में लगाए ना वो लोगों को, गरीबों को, अनाथों को अनाज देने का काम करेगा। लेकिन इन दोनों सेवकाई के खिलाफ हम नहीं है। जो अपने कॉलिंग से काम कर रहा है लेकिन आप सामाजिक और आध्यात्मिक इसको मिक्स नहीं कर सकते। मैं परसों कहीं पर बैंगलोर में कहीं पर चर्च में कुछ लोगों ने आकर उनको थोड़ा सा उनको डांट लगाई और उनको कहा कि तुम्हारा साउंड सिस्टम का आवाज थोड़ा सा कम रखो। और उस चर्च में आकर उन्होंने ये बात की जिस चर्च में बहुत जबरदस्त प्रचार होता था। उन लोगों के प्रचार देखकर मैं बहुत उत्साहित होता था, बहुत जबरदस्त वो सिस्टम प्रचार करते, पास्टर प्रचार करते। और लेकिन जब उनका रवैया आसपास के अन्य जाति के लोगों ने आकर जिस तरीके से वहां पर बिहेव किया, जिस तरीके से वो पास्टर और सिस्टर जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, तो उनका फल दिखाई पड़ा। तब मुझे याद आया कि यीशु मसीह ने कहा केवल वचन सुनने वाले मत बनो तो वचन के अनुसार चलने वाले बनो, केवल वचन बोलने वाले मत बनो तो वचन के अनुसार चलने वाले ही बनो। दूसरे दिन उन्होंने आराधना ली, पास्टर वहां पे रो रो के प्रार्थना करे, अरे ऐसा कौन सा महासंकट आया है कि इस तरीके से आप रो रहे हो? ऐसे कितने लोग हम जानते हैं कि बिहार में, यूपी, एमपी में, ओडिशा में, जिनको काट दिया गया, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन तब भी वहां पे नम्रता से सेवकाई चल रही है। आपके चर्च में आकर आप, आपको कोई विरोध कर रहा है, आप विरोध के बदले विरोध कर रहे, आप एकदम आकर से बात करते। मुझे आपको बताना है कि प्रचार करना, प्रेम से, प्रेम के ऊपर प्रचार करना बहुत सहज है, लेकिन प्रेम से किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज क्या हुआ है, ये सारी दुनिया की चकाचौंध बातों पे, लाइटिंग पे, और ये सब जिस प्रकार से ये डिजिटल वर्ल्ड आया है, ये अट्रैक्शन वर्ल्ड आया है, आज सारा ध्यान मनुष्य का वहां पर चला गया है, इसीलिए वचन की ओर ध्यान नहीं है। नीति वचन 16:20 कहता है कि जो मेरे वचन की ओर अपना ध्यान लगाता है वो कल्याण। वचन की ओर ध्यान लगाना मतलब क्या? अगर आप सब कुछ छोड़कर, कभी कभी हम हमारे बच्चों को भी एक्साइट करते हैं, चुप है, मुझे देखने दे, मुझे सुनने दे, मुझे ध्यान लगाने दे। इसका मतलब क्या? सभी बातों को अलग करके केवल परमेश्वर के वचन की ओर जो अपनी दृष्टि लगाता है, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाता है, वचन को जो ग्रहण करके चलता है, मुझे आपको बताना है वही व्यक्ति अपने जीवन में अपने बड़े नाम से, अपने बड़े प्रॉब्लम से अधिक, चिंताओं से अधिक, परेशानियों से अधिक, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को बड़ा महत्व देता है, परमेश्वर उसे महत्व देता है।
जो बचे हुए 15 मिनट है, इस 15 मिनट में आज कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो बातें समझने के लिए आप सभी को पता है, आप शायद बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, यीशु मसीह ने जो पहला चमत्कार किया वो चमत्कार था पानी का दाकरस हुआ काना नाम के गांव में। यीशु मसीह ने दूसरा चमत्कार किया जो सुबेदार का बेटा जो मरने पर था, जिसको बुखार था, जो कफरनहूम में था, ये दूसरा चमत्कार, ये दूसरा चिन्ह था। लेकिन ये पहला चिन्ह पानी का दाकरस जहां पे बारातियों को खुश किया गया, दूसरा जो चिन्ह था जो परिवार अपने बच्चे की हालात को देखकर दुखी थे उस परिवार को सुखी किया गया। लेकिन इन दो चमत्कार के बीच में एक चमत्कार हुआ है। अब वो चमत्कार कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ और वो चमत्कार किसके द्वारा हुआ और वहां पे कौन सी चीज है जो वहां पे जीवन परिवर्तन करती है, उन बातों पर हम ध्यान लगाएंगे। तो आइए योहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4, वहां पे मैं बहुत सारी वचन नहीं पढ़ूंगा, आपको इस अध्याय को समझना होगा। इस अध्याय को जब हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में बताया गया है। अब यीशु मसीह जब वहां पे दोपहर के समय थककर एक कुएं के पास आता है जो याकूब का कुआं कहलाता है, उस कुएं के पास दोपहर के समय में एक स्त्री आती है पानी के लिए। वास्तविक ये गांव के संस्कृति के अनुसार, तौर तरीके के अनुसार दोपहर के समय कोई स्त्री अच्छी स्त्री नहीं जाती है और कोई स्त्री अकेली भी नहीं जाती है। ये स्त्री अकेली आई थी और समय के खिलाफ आई थी, जो रीति रिवाज होते थे पानी भरने के और जो स्त्रियां उस समय में आती थी ये उससे हटके आती थी। इससे हमें पता चलता है कि स्त्री कुछ अलग थी। लेकिन यीशु मसीह जगत में आया है पापियों को उद्धार देने के लिए और खोए हुए को ढूंढने के लिए। इस दुनिया में भले ऐसे कुछ आए होंगे, उनके ग्रंथों में उनको कहलाया जाता है कि वो कहते हैं साधुओं को बचाने के लिए और पापियों का सर्वनाश करने के लिए हम जन्म लेंगे। लेकिन यीशु मसीह ये एकमेव खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया पापियों को उद्धार देने के लिए और भटके हुओं को एक रास्ता दिखाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और स्त्री के साथ जो वार्तालाप हुआ, जीवन के पानी के बारे में बातचीत हुई, उसके बाद उस स्त्री का जो भी पाप है या जो गलतियों में वो पड़ी हुई है, यीशु मसीह ने कहा कि तू सच कहती कि वो तेरा पति नहीं है क्योंकि तेरे 5 पति हो चुकी है और अभी तू जिसके साथ रह रही है, जैसे आज की दुनिया में लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है, ये जो जवान है जो बिना शादी किए हुए एक साथ सभी प्रकार के सेक्सुअल रिलेशन में रहते, जिसे आज की दुनिया में स्टाइल कहा जाता है, ये वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ ये घिनौना पाप आज हमारे भारत में भी काम कर रहा है, उसी प्रकार के पाप में ये सामरी स्त्री थी। और यीशु मसीह ने पहचाना और जब उसने ये बात कही तब वो इम्प्रेस हो गई और उसको लगा कि ये कोई ना कोई भविष्यवक्ता है। और बाइबल कहती है कि उसने अपना घड़ा वहीं पर छोड़कर वहीं पर वो घड़े को फेंक दिया जो पानी लेने के लिए आई थी, वो घड़ा फेंक दिया और वो नगर को चली गई। देखो हम उसमें से मेन वचन को पढ़ेंगे, गौर से सुनो। जो 10 मिनट बचे वो 10 मिनट में मैं आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूँ। जो पहला चमत्कार पानी का दाकरस और दूसरा चमत्कार सुबेदार का बेटा बचाया जाना, उस बीच में एक चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हमारे और आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। योहन्ना का 14 अध्याय और वचन 28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया है, कहीं यही तो मसीह नहीं है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसको 26 वचन में बता दिया था, जिस मसीहा के बारे में तू बोल रही है ना, तुझसे बात करने वाला वही है। और ये सुनने के बाद उसकी लाइट लग गई, उसके अंदर एक प्रकाश आ गया और एक पापी स्त्री थी वो घड़े को छोड़कर वो नगर में चली गई, जो नगर से आके छुपा के जाती थी, नगर के लोगों से अपना चेहरा छुपा कर जाती थी, नगर के लोग उसको एक कलंकित
स्त्री कहते थे, नगर के लोग उसे गलत स्त्री कहते थे, मनुष कहते थे, क्योंकि पांच शादी तोड़कर छठी शादी में किसी के साथ वो गलत रिश्ते गलत तालुकात से रह रही थी। और ऐसी स्त्री नगर के लोगों से बचती फिरती थी, लेकिन उस दिन उसने नगर के लोगों का सामना किया और कहा, देखो मैंने जो कुछ किया मेरा पाप उसने बताया। भविष्यवक्ता केवल उत्तेजन नहीं देता है, प्रोत्साहन नहीं देता है, एक सच्चा भविष्यवक्ता मनुष्य का पाप भी प्रकट करता है। वो कहती है कि उसने मुझे ब्लेसिंग वर्ड नहीं दिए। सामरी स्त्री कहती है, देखो वो मसीह तो नहीं जिसने मैंने जो कुछ किया, जो पांच शादियां मेरी टूट गई है, मेरे पांच तलाक हुए और छठे के साथ मैं कानूनी तौर पे नहीं तो बेकानूनी तौर पे रह रही हूँ, ये पाप उसने बताया, क्या वो मसीह तो नहीं। ये सुनने के बाद देखो आगे क्या हुआ। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये मसीह तो नहीं है। अंततः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रबी कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते हो। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलू और उसका काम पूरा करूं। अब जब यह सब होने के बाद आगे जाकर बाइबल हमें यहाँ पे बताती है 39 वचन में, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया है। इसलिए जब वे सामरी उसके पास आए तो उसे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अंततः वो दो दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। किसके कारण? वचन के कारण। यीशु मसीह एक यहूदी था, सामरियों के साथ यहूदियों का कोई रिश्ता नहीं था। सामरी लोग जो थे यहूदियों के सामने दलित लोग थे, यहूदी उन्हें तुच्छ समझते थे। और यीशु मसीह उन्हीं तुच्छ लोगों के पास गया, भले उसने उस काना के गलील में उसने पानी का दाखरस किया, उसने कफरनहूम से आए हुए सूबेदार के बेटे को जिलाया, लेकिन उसके बीच में जो अन्य जाति थी, जो कलंकित जाति थी, जहाँ पे लोगों का बर्ताव गलत था, उन लोगों के पास जाकर वो दो दिन रहा। और बाइबल यहाँ पे कहती है कि बहुत से लोगों ने विश्वास किया। यीशु ने सामरिया में उस सुखार नाम के गांव में किसी अंधे को दृष्टि नहीं दी, वहाँ पे पानी का दाखरस नहीं किया, वहाँ पे किसी बीमार को चंगा नहीं किया, वहाँ पे कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किए, वहाँ पे यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन सुनाया। और बाइबल कहता है कि वहाँ पे ये 41 वचन में, 4:41 में, यूहन्ना 4:41 में बाइबल कहती है, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। किसके कारण? वचन के कारण। यीशु ने सुनाए हुए वचन के कारण सामरिया में बहुत सारे पापियों ने यीशु पे विश्वास किया। शायद काना के गांव में पानी का दाखरस देखकर वाओ व्हाट अ मिरेकल बोल के लोगों ने वहाँ पे आनंद किया होगा। शायद कफरनहूम में सूबेदार का बेटा जिलाया गया, परिवार ने आनंद किया होगा, लेकिन सामरिया में जो हुआ ना वो मुझे बहुत छूटा है। सामरिया में पूरा गांव का गांव, सुखार नाम का गांव यीशु का वचन दो दिन सुन रहे थे। मैं कभी कभी बहुत अचंभित होता हूँ कि हमारे शहर के लोग अगर वचन का टाइम आगे बढ़ जाता है तब वो घड़ी देखते हैं। हमारे शहर के लोग अगर पास्टर अगर वो पासवान अगर टाइम से आगे चला जाता है तब उनको बताते कि आपने टाइम बहुत लिया है, लेकिन सामरिया के लोग दो दिन तक यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे थे। यीशु मसीह लगातार प्रचार कर रहा था और यीशु मसीह 12 साल की उम्र में था तब वो मंदिर में 3 दिन तक लगातार वचन सुना रहा था और लोग सुन रहे थे। सामरिया में दो दिन तक वो रहा। कुछ ऐसे लोग हैं जो पापी थे, जो कलंकित थे, उन लोगों ने यीशु के वचन पर विश्वास करते हुए यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि यीशु ने वचन क्या प्रचार यहाँ पे किया। बाइबल में ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे गए जहाँ पे सीक्रेट प्रचार है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का प्रचार का एग्जांपल दिया, यीशु मसीह ने पवित्र जीवन के बारे में प्रचार किया, लेकिन ऐसे कुछ कितने तो भी प्रचार है कि सामरिया में उसने क्या प्रचार किया पता नहीं,
लेकिन जो प्रचार किया बाइबल कहता है यीशु के वचन के कारण बहुतों ने उस पर विश्वास किया। आगे देखो 42 वचन में, अब उस स्त्री से कहा, देखो क्या कहा, उन लोगों ने कहा अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते। उस स्त्री को कहा तेरा पाप इसने बताया, तूने 5 शादियां की, छठे के साथ तू इलीगली रह रही है, तेरा ये पाप इसने बताया, केवल इसके कारण ही हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और हम जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने अद्भुत बातें यहाँ पे दिखती है। जब मैं वो पानी का दाखरस देखता हूं, पानी का दाखरस लोगों को चाय पीने के लिए आनंद दिया होगा, सुबेदार का बेटा जो दूसरा चिन्ह में दिखता है वहां पे बाइबल कहती है लोगों में खुशी आई, लेकिन ये सामरिया में जो हुआ इस पर कोई बात नहीं करते। यही सामरी लोग थे जिन्होंने यीशु पे केवल विश्वास नहीं किया, तो यीशु के बारे में उन्होंने ये कहा हमने आप ही सुन लिया, देख लिया नहीं, गौर से सुनो, हमने आप ही सुन लिया। मतलब यीशु ने जो प्रचार वचन का किया, यीशु ने जो वचन उनके जीवन में बोया, उन्होंने देखा ही नहीं, कहा हमने आप ही कान से सुन लिया कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। ये अन्य जाति के लोग, यीशु के साथ रहने वाले चेलों ने नहीं कहा ये बात। कफरनहूम में सुबेदार का बेटा जिलाया गया, वहां पे सुनने को नहीं मिलता है। काना गांव में पानी का दाखरस हुआ, यहाँ पे सुनने नहीं मिलता है। लेकिन मैं इन सामरियों का जीवन देखकर मैं उनसे बहुत आकर्षित हुआ, जिन्होंने 2 दिन तक यीशु को सुना। जो यीशु को सुनते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुलेआम दुनिया को कहते हैं यीशु ही सचमुच दुनिया का उद्धार करता है। मैं बहुत प्रभावित हुआ इस, मैंने जब ये इन बातों को बहुत गौर से सुना, बहुत अध्ययन किया, और जब मुझे पता चला कि सामरिया में ये काम हुआ, तब इस सामरिया में जो काम हुआ ना, उस काम के सामने पानी का दाखरस हुआ और कफरनहूम में सुबेदार का बेटा जिलाया गया, ये दोनों पहले बड़े चिन्ह से अधिक मुझे सामरिया में जो लोगों का उद्धार हुआ ये बात बहुत आकर्षित। कैसे हुआ उद्धार उनका? उन्होंने जो सुना, उन्होंने खुदा ईश्वर यीशु के द्वारा जो सुना, जो वचन को ग्रहण किया, उनका जीवन बदल गया। इसीलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, देखने वाली बातों को देखकर मत आकर्षित होना। ये बातें हमें कहीं ना कहीं भरमाएगी, लेकिन परमेश्वर के कलाम का योग्य प्रचार अगर आप सुनोगे, योग्य सेवक से सुनोगे, वो प्रचार आपके जीवन में आपके भटके हुए जीवन को, अंधियारे जीवन को, लड़खड़ाने वाले जीवन को, कंफ्यूज जीवन को मसीह के पीछे सही तरीके से चलाएगा, क्योंकि उसका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजियाला है। उसका वचन लाठी है, उसका वचन हथौड़ा है, उसका वचन तलवार है, उसका वचन अग्नि है, उसका वचन जीवन की रोटी है, उसका वचन मधु से मीठा है, उसका वचन मेरे देह और हड्डियों में हरे गुंदे गुंदे तक चंगाई देता है। आज विश्वासियों ने वचन का महत्व गवा दिया है, इसलिए सभी नॉन बिब्लिकल बातों पे, मनुष्य की बनाई हुई स्ट्रैटेजी पर मनुष्य ध्यान लगा रहा है। लेकिन हमें फिर से एक बार लौट कर आना होगा, जहां पर हम हमारी सब बातों से अधिक, हमारी शान शौकत से अधिक, हीलिंग मिराकल चंगाई या बरकत और इन सब बातों से अधिक हम परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देते थे। लेकिन अभी हमने अपने आप को महत्व देना शुरू किया है, इंसान को महत्व देना शुरू किया है, पॉलिटिशियंस को महत्व देना शुरू किया है, VIPs को महत्व देना शुरू किया है, मिनिस्ट्री को महत्व देना शुरू किया है, चर्चेस को महत्व देना शुरू किया है। लेकिन भजन संहिता 138:2 में खुदा का कलाम कहता है कि मैंने अपने बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को अधिक महत्व दिया है। अजीब बोलना होगा, सामरिया में वचन को महत्व दिया गया, इसलिए वो कहते हैं उस पापी स्त्री को, तू तेरे बारे में जो भी
प्रगतिकरण या जो भी प्रकाशन इसने दिया है, इसलिए हम यीशु पे विश्वास नहीं करते। हमने आप ही सुना है और ये जान लिया है सच में यही दुनिया का उद्धार करता है, यही जगत का उद्धार करता है। ये गवाही मुझे पानी का दाकरस हुआ या कफरनहूम में सूबेदार का बेटा जिलाया गया, इन दोनों पहले बड़े चिन्ह के बीच में ये बात जब मैं सुनता हूँ, सामरी लोग कहते हैं हमने आप ही सुन लिया है, हमने आप ही जान लिया है, सचमुच यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। ये मुझे सबसे बड़ा मिराकल लगता है, क्योंकि वहां पे यीशु ने कोई मिराकल नहीं किया, यीशु ने वहां पे वचन का प्रचार किया और इस वचन को सुनकर उन्होंने जान लिया सचमुच यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। आइए हमारे जीवन में इन बातों को, जो नॉन बिब्लिकल बातें आई उसको निकाल दे, ये कूड़ा कचरा निकाल दे और फिर से एक बार उसी जगह पर मन लगाएंगे जिस वचन के द्वारा, जो अविनाशी बीज खुदा के वचन के द्वारा हमें नए जन्म का अनुभव मिला है, उस वचन की ओर फिर से चले। ये सारी लुभावनी बातें, ये सारी नॉन बिब्लिकल बातें, ये सारी एट्रैक्टिव बातें, इन सभी को फिर से साइड करके हम वचन की ओर आते हैं। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने उजाला पाया, उसके वचन की ओर जो देखते हैं वो उजाला पाते हैं, उनका मुंह लज्जा से कभी काला होगा नहीं। क्यों ना आज फिर से हम एक वाचा बांधे, खुदावन हम बहक गए थे, हम परिस्थितियों की वजह से उस बहाव में बह गए थे, लेकिन फिर से हम उसी जगह पर आते हैं, हमारे जीवन की विश्वास की नींव हम वचन की चट्टान पर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है बालू पे भविष्यवाणियां, चंगाइयां, बरकत, कुवत, ये सब प्रसाहित करने वाली बातें, ये बालू पे बनाया हुआ, रेती पे बनाया हुआ घर एक दिन तहस नहस हो जाएगा, लेकिन हमें पता है जो वचन की चट्टान पर, न्यू पर जो विश्वास का घर अपना बनाता है, कोई आंधी तूफान, कोई भी बाढ़ उसको सत्यानाश नहीं कर सकती। आई एम